तो दोस्तों स्वागत है आपका बीसी सेंटर में। वैसे आज हमारे साथ त्रिफला प्रसाद जी हैं जो कि आज हमें कुछ अपने गुण सिखाएंगे। आज हमें हमारे साथ मौजूद हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ आसन वासन कर रहे हैं। नो, 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 गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो थोड़ा सा बताएंगे कि ये कौन सा आसन कर रहे हैं, क्या बाइसेप बाइसेप बना रहे हैं क्या? ये कपिलासन। कपिल आसन कहते हैं का? कपिलासन। कपिलासन कहते हैं। हाँ, कपिल शर्मा वाला है। अच्छा, समझो। हाँ हाँ, आप ही से सीखा है क्या वो? हाँ, हमारी तो सीखा सर। और ये क्या कर रहे हैं? ये सब आसन है, योगासन आए। अच्छा, योगासन। मतलब काफी आप फिट विट लग रहे हैं, मतलब बिल्कुल पूरे फिट रहते हैं हम बारह मास। तो ये आज क्या, मतलब आप योगा की ड्रेस में आप नहीं है, मतलब ये सब क्या पहने हैं आज? हमारी ड्रेस धोबी लगा रहा है, धोए खातिन। हाँ। सार लौटा रिस नहीं। अच्छा, क्या करन? जा जनता भी बताइए जरा, कुछ बीमारियां ठीक हो जाएं। देखो आई साहब। हाँ। योगा थे। हाँ। सारी बीमारी ठीक होती हैं। ठीक है जो। हाँ। अब जैसे हम तुम का बतावन, बवासीर बीमारी है, बवासीर। हाँ, बवासीर एका ठीक करें खातिन एक आसन तुमको बतावन। देखो हाँ, खड़े हुई जाओ। हाँ, ऐसे ऊपर। हाँ, ऐसे करो। हाँ ठीक है, ऐसे बैठो। फाट गए, अरे जींस फाट गए। ऐसे करियो। हाँ, एक ही दिन में बवासीर ठीक हो जाए। एक ही दिन में? एक ही दिन में। अच्छा, और सुनो पथरी ठीक करेगा आसन। हाँ, समझो। हाँ, पथरी ठीक करें खातिन ऐसे करो। हाँ, दुई ये अंगूठा ये हाथे पकड़ो। हाँ, ये वाला अंग उठा, ये हाथे से पकड़ो। हाँ, अब ऐसे उठाओ। अब उठे ना ही पा रहे ना, जींस पहने ना। हाँ, अब जैसे ऐसे उठियो। हाँ, पथरी तुरंत निकल के बाहर। उधर जैसे कंकड़ पड़ो। हाँ, हाँ, ऐसे बिल्कुल निकल के बाहर हुई जाए तुरंत। कहाँ से तुरंत निकली आएगी? अरे तुरंत निकली। अच्छा अच्छा, और समझो एक आसन और है। हाँ, ये वाला पैर ऐसे गर्दन पर रख भी है। अच्छा, गर्दन पे। हाँ, ये अलग करके दिखाइए, करके दिखाइए, करके देखो ऐसे ना। आज हम पहने जींस। अच्छा, तो आज ना कर, कल करके दिखाई है, समझो। अच्छा, आज वही नाम थे। और कोई बीमारी का बता दीजिए, कहीं कौन सी बीमारी सही होती है योगा से? अल्सर है। हाँ, अल्सर। अल्सर का इलाज है योगा से। अच्छा, लेकिन बात यह है कि देखो अल्सर के इलाज खातिन जो आसन है वो करो जाते पल्सर के ऊपर बैठ के, समझो। अच्छा, अल्सर का आसन पल्सर पे? पल्सर पे। अरे, अब पल्सर है नहीं, समझो। अच्छा अच्छा, बिना पल्सर के कैसे हुई अल्सर ठीक? अच्छा, आप थोड़ा हमको कोई आसन उसका बता दीजिए, क्या नाम है, मुंह के छालों का? मुंह के छालों का आसन है। हाँ, अब देखो एक एक खातिन क्या करेक्ट पड़ी तुमका। हाँ, पेट्रोल ले। हाँ, पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल का मुंह में भरो। हाँ, ओके बाद माचिस से आगी लगा दो। एका कहा था मुखाग्नि आसन। अरे मुखाग्नि का बता रहे, तो मुर्दा उर्दा जलाने वाली? अरे बात का समझो। अच्छा, एक शब्द का क्या मतलब थोड़े होते हैं, तमान मतलब हो, तमान अर्थ होता है। अच्छा, क्या मतलब मान के चले कि योगा आसन से सारी बीमारी ठीक हो जाती है? वैसे तो लोग कहते हैं योगा से होगा। हाँ, लेकिन योगा से नहीं होगा, सिर्फ योगा से नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ योगा से नहीं होगा। अब जैसे देखो बाबा रामदेव हैं। हाँ, अब उनके जब घुटनन में तकलीफ होती है। हाँ, तो उन्हों का जाए पड़ते हैं विदेश जाके करावते। अच्छा, ट्रीटमेंट। अच्छा अच्छा, है। और बाल कृष्ण और तमाम दुनिया भर के ऐसे बाबा लोग जो हैं। हाँ, वो इलाज सब अस्पताल में जा करावते हैं। तो योगा तो होता है गुरु जी, फिर हम थोड़ा सा आप बता दीजिए, थोड़ा सा औषधि वगैरह बता दीजिए कुछ थोड़ा सा। अब जैसे मान लो कौन सी बीमारी बताओ? आप आंखों का बताइए कि आंखों की रोशनी तेज हो। कलौंजी ले। हाँ, ठीक, एक तोला कलौंजी। हाँ, मिश्री। हाँ, देसी गाय का घी। हाँ, सौंफ डाल लो थोड़ी। ठीक है, ये तीन चार चीज़ें मिला के। हाँ, सब इकट्ठा खा जाओ। फिर आँखिन की रोशनी ऐसे हो जाए जैसे चील की आँखें हो, समझो। हाँ हाँ, चील की तरह एकदम एक दिन में। नहीं तो चील इधर आप कह रहे, चश्मा तो आपकी आँखों में भी लगा हुआ है। अरे यार, अब हम का सब कुछ हमें थोड़े कर ले बे आप। नहीं तो आप कहे चील की तरह दिखाई। बताओ थे ना आपका, हम थोड़े सब कुछ करे बे, क्या बीसी कर रहे हो यार तुम? अरे अच्छा अच्छा, थोड़ा सा गंजेपन का भी बता देते, थोड़ा सा आजकल बालों की समस्या जो झड़ रही है, मतलब वो बाल झड़ रहे हैं, इसके लिए भी कुछ बता देते। गंजेपन का भी इलाज है। अच्छा, 100% गारंटी के साथ इलाज हुई। हाँ, समझो। अब गंजेपन खातिन क्या करें तुमका, लेख है हर बहेड़ा। हाँ, सिकाकाई लो। हाँ, आंवला लो। हाँ, ओमा थोड़ा सनसिल्क शैम्पू मिला लो, समझो। अच्छा, सनसिल्क सफ़ेद वाला। सफ़ेद वाला। और इन सारी चीज़ों का मिला के। हाँ, दुई खुराकें ले लो सुबह शाम। हाँ,
बस बाल सब उगाए ऐसे उगे हैं बाल जैसे सरसों के खेत ऐसे नागिन जैसे बाल, नागिन जैसे बाल। तो त्रिफला प्रसाद आपके बाल तो आधे गए, वो आप नहीं लगाते हैं। फिर वह बात कर रहे हो, हम थोड़े ना लगाई भाई, हम तो लोगन का बतावा था यार, बीसी ना करो कुछ और बात करो। अच्छा शुगर का इलाज बता दीजिए एक और। अब देखो शुगर के इलाज खाते हैं तुम्हें क्या करे है, लट जीरा लो, बालम खीरा लो, ठीक है, भांग लो, हाँ, तीनों चीजें मिला के रात में फुला के धर लो, हाँ ठीक है, और सुबेरे जो बतासा आप मीठे वाले उन्हें इनमें डाल डाल के हाँ 11 बतासा खा लो, बस एक ही दिन में शुगर ठीक। क्या बात बताई, मतलब मीठा खाने से मीठा सही हो जाता है। अरे जहर है, जहर का काटा थे समझो। अच्छा त्रिफला जी थोड़ा सा घुटनों के बारे में आपने नहीं बताया। यार घुटनों का क्या बताऊं, घुटना तो हमारे पिरा रहे हैं सुबह रहते हैं। अच्छा आपके पिरा रहे हैं, लेकिन फिर भी बता दीजिए कोई दवाई। देखो ठीक तो ही जाते हैं, किशमिश ले, चिरौंजी ले, ठीक है, मखाना ले, मखाना छुआरा ले, ठीक है, ये दो तीन चार जो मेवा है इनका मिला के खुला के रख दो, और सुबेरे जुगाड़ करो कहूँ थे माधुरी का, माधुरी मस्ती देसी, हाँ पौआ, ओमा मिला के सारी चीजें पी जाओ, बस घुटना ठीक, घुटना का तमाम बीमारियां सब सब यार दारू भूल जाइयो कौन बीमारी। अरे जाओ यार, यार दारू के बारे में बताने लगे हो यार। अरे जाओ यार कहाँ मार गए साला, हम भी साले को देख रहे साला योगा कर नहीं पा रहा है, आगे पौआ हुआ बताने लगा। चलो खैर कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भौजी राती के कोई लूहा योगा अब पिटे में लेके भोगा।